फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल डॉक्टर तीर्थ ब्लॉग्स। मैं हूं डॉक्टर तंजला कुरैशी, सिटी डेंटल क्लिनिक देवास। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि कौन से एज के बच्चों के साथ कौन सा ब्रश यूज करना है और कौन सा टूथपेस्ट यूज करना है। मतलब जब हमारा बच्चे का जन्म हुआ है, जन्म से लेकर 6 महीने तक के बच्चों के दांतों की केयर, ओरल कैविटी की केयर कैसे की जाती है, 6 महीने से लेकर 2 साल तक के बच्चों की केयर हमें कैसे करना है। हर एज के हिसाब से टूथब्रश और टूथपेस्ट अलग होता है। आज इस वीडियो में हम ये बात जानेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं हम सबसे पहले सबसे छोटे बच्चे से। मतलब 6 महीने से छोटे बच्चे की ओरल कैविटी की या मुंह की क्लीनिंग हमें किस प्रकार से करना है। तो दोस्तों, हमें कुनकुना पानी करना है, जिसमें हम एक छोटा सा कपड़ा लेंगे, सूती का या फिर कॉटन का साफ कपड़ा। हम उस कपड़े को थोड़ा सा वॉश करेंगे, क्लीन कर लेंगे हम, कपड़ा गंदा ना हो, इन्फेक्टेड ना हो, या फिर कुछ और उस पर केमिकल या मिर्च मसाला ना लगा हो, साफ कपड़ा लें। कपड़ा आपको इस प्रकार से गीला करना है थोड़ा सा, और फिंगर पे कुछ इस प्रकार से लपेटना है। इतना इतना कपड़ा हम कुनकुने पानी में थोड़ा सा गीला कर लेंगे या साफ कर लेंगे। देन हम बच्चों के मुंह में कुछ इस प्रकार से धीरे धीरे उनकी इड़ियाँ साफ कर देंगे, ऊपर की भी और नीचे की भी। ज्यादातर ये प्रोसेस हमें तब करनी है जब हम बच्चे को दूध पिला रहे हैं, यानी कि फीडिंग करवा रहे हैं। बहुत बार क्या होता है, फीडिंग करवाने के बाद भी बहुत पूरे मुंह में दूध चिपका हुआ रह जाता है या ठीक से गटका नहीं होता है, तब हमें ये क्लीनिंग करना है, या फिर मॉर्निंग में एक बार और नाइट में। अगर आप 2 बार भी करवा रहे हैं, बहुत ज़्यादा छोटा बच्चा है, तो आप 1 बार भी करवाते हैं तो सफिशियंट है ना। बट आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, 3 से 4 महीने का है, 5 महीने का होने आया है, तो आप 2 बार भी करवा सकते हैं दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे कि अब हमारा बच्चा 6 महीने का हो गया है और 6 महीने के बच्चों के 2 दांत आगे के आना स्टार्ट हो जाते हैं, तब हमें बच्चों को कैसे क्लीन करना है। एक स्पेशल ब्रश आता है दोस्तों इस एज के ग्रुप के लिए, कुछ इस प्रकार से ये मिलता है। इसे हम सिलिकॉन फिंगर ब्रश कहते हैं। ये आपको खुद करवाना होता है बच्चों को, बच्चे खुद नहीं कर सकते। इतने छोटे बच्चे 6 महीने से लेकर 2 साल तक के, आपको फिंगर में कुछ इस प्रकार से इसको पहनना होता है। आपके बच्चों के स्टार्टिंग के दांत आ चुके हैं, आगे के दांत आना स्टार्ट हो गए हैं। आप ये वाला पोर्शन बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसमें भी आपको टूथ में भी आपको टूथपेस्ट यूज करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल क्लीनिंग्स ठीक। इस ब्रश को आपको इस प्रकार से पहनना है और फिर आप धीरे धीरे बच्चों का इस तरीके से आप ब्रश करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर पूरे दांत नहीं आए हैं तो आप नॉर्मल ईडी पे भी हल्की सी सफाई कर सकते हैं। इसको बहुत, ये चुभता नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट ब्रश होता है, और इसके पीछे एंड पे भी ऐसे दाने दाने बने हुए हैं, इससे आप छोटे बच्चों की टम भी हल्की सी साफ कर सकते हैं, ठीक है। ये हुआ हमारा 6 महीने से लेकर 2 साल तक के बच्चों को ब्रश करवाने की मेथड। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि 1.5 साल में भी थोड़े समझने लगते हैं, वो हमारी बात मान लेते हैं। तो 1.5 साल से लेकर हम 3 साल तक के बच्चों को एक यू शेप का ब्रश आता है, या आप वीडियो में देखेंगे कि हम इसमें थोड़ा सा हमने पेस्ट लगाया है और बच्चे इस तरीके से इसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। ये ब्रश भी इस एज ग्रुप के लिए काफ़ी अच्छा होता है दोस्तों। बट हमें ये ध्यान रखना है कि जब हमारा बच्चा छोटा है, मतलब हमारा बच्चा 6 साल से छोटा है, तो हमें फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट यूज़ करने होते हैं। नॉर्मल टूथपेस्ट वो यूज़ नहीं करना है जो हम हमारी एज, छोटे बच्चों की बहुत ही डिफरेंट टाइप के अलग अलग फ्लेवर में टूथपेस्ट इजीली अवेलेबल होते हैं। अगर आप ऑनलाइन दोस्तों अगर ले रहे हैं तो आप उसमें फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट लें। 3 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों के लिए हम पीडो ब्रश खरीद सकते हैं, मतलब छोटे बच्चों का छोटा साइज का ब्रश आता है, हम वो खरीद सकते हैं। इसमें भी हमें दोस्तों फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट यूज़ करना है, और हम हमारे बच्चे को हमारे साथ खड़े लेके उसे सिखाएं कि आपको ब्रश कैसे करना है। अगर हम उसे कांच के सामने खड़े करेंगे और साथ में हम खुद भी उसके साथ ब्रश करें कि ऐसे ऐसे करना है, और फिर जब ब्रश कर लिया और उसे दोस्तों थूकना भी सिखाएं, स्प्लिट करना सिखाएं, क्योंकि क्या होता है, बच्चे बहुत बार टूथपेस्ट अपने पेट में गटक जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत कभी चले जाता है तो ठीक है, बट हमेशा टूथपेस्ट पूरा पेट में जाना ठीक नहीं होता है। तो नॉर्मल स्प्लिट करने के बाद नॉर्मल बच्चे को कुल्ला करवाना है। बहुत बार क्या होता है, टैप वाटर बच्चे अपने पेट में ले जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, बीमार पड़ जाते हैं, इसलिए
छोटे बच्चों के गार्गल करवाने के लिए हम हमारे घर का पीने का पानी इस्तेमाल करें। अगर आपके पास आरओ है तो आप आरओ का पानी भी उसे दे सकते हैं या फिर साफ पानी दें। अगर गलती से बच्चे के पेट में भी चला जाए तो उसे इन्फेक्शन ना हो। इस पानी से आप उसे बताएं कि आपको कैसे मुंह में इसको लेकर ऐसे क्लीन करना है, गार्गल्स करना है, देन आपको बाहर स्प्लिट करना है ये पानी। आप हमेशा अपने बच्चों के साथ ब्रश करें, उसके बाद भी फिर आप अपने बच्चों की ओरल कैविटी एक बार मुंह खुलवाकर चेक करें कि कहीं खाना फंसा हुआ तो नहीं है या फिर गंदगी फंसी हुई तो नहीं। तो छोटे बच्चों के दांत, अगर हमारे दूध के दांत खराब हो जाते हैं छोटे बच्चों के, तो क्या होता है, जो हमारे परमानेंट टूथ बन रहे होते हैं जो हमें पूरे लाइफ टाइम कमाना है उसमें प्रॉब्लम आती है। बहुत बार अगर छोटे दूध का दांत वक्त से पहले गिर गया है या सड़ गया है तो जो परमानेंट दांत जिस प्लेस में आना है वो वहाँ ना आते हुए थोड़ा सा शिफ्ट होकर आएगा और फिर हमें आने वाले समय में बच्चों का मुँह दांत बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े दिखने का रीज़न भी एक ये होता है कि बच्चों के छोटे बच्चों के दांत बहुत सड़े हुए मिलते हैं। बहुत से पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि मैम इसके दांत तो आ रहे थे तभी यहाँ से यहाँ तक काले पड़ गए। भाई आप अगर केयर नहीं करोगे तो डेफिनेटली बच्चे के दांत सड़ेंगे। ये चॉकलेट बहुत खाता है, अब छोटा बच्चा है वो चॉकलेट तो खाएगा ना, बट आपको आपके पेरेंट आप पेरेंट्स हो आपको ध्यान रखना है कि आपके बच्चे ने ब्रश कराए कि नहीं कराए। बहुत छोटा बच्चा है तो कॉटन से आप साफ करें, उससे थोड़ा बच्चा है तो ये फिंगर ब्रश जो मैंने आपको अभी बताया इससे साफ कर सकते हैं। यू शेप के ब्रश से साफ करें। आप रात में उसको डेफिनेटली ब्रश करवाएं। थोड़ा और बड़ा हो गया है तो आप खुद उसके साथ ब्रश करें, आप उसे समझाएंगे बेटा अपन दोनों ब्रश करेंगे तो डेफिनेटली आपके बच्चे करेंगे। इसके अलावा एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रश आता है, ये आप इलेक्ट्रॉनिक ब्रश आता है, इजीली ऑनलाइन अवेलेबल होता है। टेक्निक से ब्रश करवाना ज़्यादा ज़रूरी है, आप मैनुअल लें या फिर इलेक्ट्रॉनिक ब्रश लें, दोनों ही इक्वल होते हैं, टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आई होप दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल डॉक्टर तित ब्लॉग पर आप सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।